हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम काम कर रहे थे ई कॉमर्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो लास्ट दो वीडियोस का रिव्यू देख के बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स और जो भी सब्सक्राइबर थे उनका जो रिप्लाई मिला काफ़ी बहुत अच्छा लगा देख के। और ये चीज़ अच्छा लगा कि वो सारे लोग बहुत अच्छे से दिल से देख रहे हैं वीडियो और उसका पूरा फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से करना है किस तरह से नहीं। और ये देख के काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हर एक चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, वो कुछ क्वेश्चन आंसर पे होंगे। जो लास्ट दो वीडियोज़ के कुछ क्वेश्चन अराइजेस हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट में मिला है, उसके हिसाब से मैंने आज वाला सेशन तैयार किया है जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से आपको जो भी क्वेश्चन होंगे, हम लोग हर दो वीडियो के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसमें आपके जितने कमेंट्स में क्वेश्चन रहेंगे उन सारे को हम सॉल्व करेंगे। बट ध्यान रहे, वो रिलेटेड होगा इसी टॉपिक के, ठीक है। जब ये टॉपिक खत्म कर लेंगे तब हम नए दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करेंगे। फिलहाल आज का जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी ई कॉमर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसको हम शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि ट्रंकेट क्या है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, एज अ डेवलपर या एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आगे चल के आप डेवलपमेंट का काम करोगे तो ध्यान रहे कि आपका DBMS बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे तो जॉब मिल जाएगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे तो जॉब मिल जाएगा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारे जॉब हैं। DBMS वाला पार्ट उनके दिमाग में आता ही नहीं है, ना ही उन्हें कोई बताता है, ठीक है। तो एक बात आप सबसे पहले अपने दिमाग में आज के आज बिठाइए कि जितना ही इम्पोर्टेंट फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको जॉब के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट DBMS है। और जितना ही स्ट्रांग आपका DBMS होगा, आप उतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और अच्छे प्रोजेक्ट आप बना पाओगे, ठीक है। तो ट्रंकेट बहुत बेसिक सा चीज़ है DBMS का, ठीक है, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बेसिक सा चीज़ है, बट ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको लेके एक अच्छा सा एलोबरेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये चार पांच क्वेश्चंस मैंने आज डिसाइड किए, इन चारों पांचों क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपना बढ़ जाएंगे। तो आज का जो वीडियो होगा इसी के ऊपर होगा, कुछ सेशंस होंगे। चलिए तो ट्रंकेट देखते हैं। और ये जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा ना, मैं बिल्कुल डैम श्योर होकर बोल रहा हूँ कि ये आपको कंपनी में काम आने वाले हैं। अगर आप खुद के क्लाइंट्स के सॉफ्टवेयर बनाएंगे तब भी काम आएंगे, अगर आप कहीं काम करोगे किसी कंपनी में तब भी काम आएंगे। ये चारों पांचों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। तो सबसे पहले मैं ट्रंकेट की ओर चलता हूँ। मैं इस वेबसाइट को खोल के रखा हूँ, बाद में बताऊंगा मैंने क्यों खोला है। पहले वैम सर्वर पे आते हैं, यहाँ से PHP MyAdmin पे चले जाते हैं, ठीक है। और ये ट्रंकेट का पूरा एलोबरेशन आज खत्म करते हैं। हम लोग का कौन सा था, ecomdb था आई थिंक हमने बनाया था, यस ecomdb TBL यूजर, ठीक है। ये देखिए, ये लास्ट डे हमने एंट्री करके रखा था। अभी आप स्ट्रक्चर में जाइए, स्ट्रक्चर में आप देखिए कॉलम्स, सबसे पहला वाला कॉलम ID है जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है। नेम, ईमेल, पासवर्ड, बाकी सारी चीजें हैं। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंटेड क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए, जब भी हम कोई टेबल DBMS में बनाते हैं क्रिएट टेबल का कमांड करके, सपोज ये टेबल है, ठीक है, हमने क्या किया, पहला एक इंसर्ट का कमांड चलाया, ठीक है, पहला एक इंसर्ट का कमांड चलाया, तो हुआ क्या, इसके रिस्पेक्टिवली इंडेक्स क्रिएट होते हैं बैकग्राउंड में, हर एक रो के लिए इंडेक्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रो हमारा क्रिएट हुआ, रो 1 क्रिएट हुआ, और उसके रिस्पेक्टिवली इंडेक्स 1 भी क्रिएट हुआ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो हमने यहां पे पहला रो 1, सपोज मैं इसे R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हमने रो 1 क्रिएट किया, और रो 1 के रिस्पेक्ट में हुआ क्या, यहां पे एक इंडेक्स क्रिएट हुआ विच इज 1, इंडेक्स 1, ठीक है। जब कुछ भी नहीं होगा, जब ये इंडेक्स टेबल बिल्कुल खाली होगा और पहला आप रो क्रिएट करने जा रहे हो, तो एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा 1। ऑटो इंक्रीमेंटेड रो कॉलम के लिए ये पहला वाला जो है, ये ऑटो इंक्रीमेंट मान लेते हैं, ये फर्स्ट आईडी है, यहाँ पे आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो इंडेक्स रो 1 हमने क्रिएट किया, इंडेक्स 1 क्रिएट हुआ, और उसी इंडेक्स 1 के हिसाब से आईडी का वैल्यू 1 दे दिया गया, ठीक है।
अब आप क्या करोगे, अब आप दूसरा रो क्रिएट करोगे। तो जब आप दूसरा रो क्रिएट करोगे तो इंडेक्स को जाके देखा जाएगा कि इंडेक्स का वैल्यू कितना है, 1 है। अच्छा, तो पहले इंडेक्स 2 कर दो और जो दूसरा रो क्रिएट होगा उस रो में जो ऑटो इंक्रीमेंटेड वाला वैल्यू है वो इसी इंडेक्स से मिलेगा उसको। तो यहां पे जाके ये वैल्यू आ जाएगा विच इज 2। ठीक है, फिर रो 3 क्रिएट करना है, इंडेक्स का वैल्यू चेक करो, 2 है। ओके, नया इंडेक्स जो बनेगा 3। अब वो क्या होगा, ये वाला इंडेक्स जो है यहां से आके इस जगह पे आके सेट हो जाएगा विच इज वैल्यू 3। चलिए बहुत अच्छा, ये काम हमें समझ में आ गया, इस तरह से ये हो रहा है 1 2 3 4 करके कंटिन्यू। अब सोचिए कि हमने क्या किया, एक डिलीट का कमांड चलाया, ठीक है ना। यहां पे हमने क्या किया, एक डिलीट का कमांड चलाया। ओके, देखिए हमने क्या किया, एक डिलीट का कमांड चलाया। डिलीट का कमांड होपफुली आप लोगों को पता हो MySQL में, SQL में। तो डिलीट फ्रॉम TBL का जो भी नाम होगा, TBL underscore name, बाकी अगर वेयर क्लॉज लगाना है तो ठीक है, नई क्लॉज लगाओगे तो ये सारा का सारा डिलीट कर देगा। अब ये क्या करता है, जो डिलीट कमांड हम चलाते हैं तब ये क्या करता है पता है, ये सिर्फ और सिर्फ रो को डिलीट करता है। किसको डिलीट करता है भाई, सारे रोज जो है ये डिलीट हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपने तो डिलीट कमांड चला के 3 रो को डिलीट कर दिया। अब क्या हुआ, फिर किसी ने वापस एक ये डिलीट कमांड चलाने के बाद पहले 3 टू इंसर्ट का कमांड चला, तो 3 इंडेक्सेस क्रिएट हुए, उसके हिसाब से ऑटो इंक्रीमेंट आईडी क्रिएट हुआ 1 2 3, 3 रो क्रिएट हुआ। फिर किसी ने डिलीट का कमांड चला दिया, सिंपल टेबल के कंटेंट्स को डिलीट करने के लिए क्या लगता है, डिलीट ही तो लगता है। तो डिलीट फ्रॉम TBL नेम हमने चला के टेबल के कंटेंट को डिलीट कर दिया। अब फिर क्या हुआ, किसी ने, क्योंकि आप टेबल तो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, अब आपने एक्सपेक्टेड कि भाई आपने फर्स्ट फिर एक फ्रेश क्या किया, एक नया रो एंट्री किया, और रो एंट्री करने के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग कि अब वो जो वैल्यू है आईडी का वापस से 1 आएगा, वापस से कितना आएगा, 1 आएगा। बट हुआ नहीं, हुआ क्या, आईडी का वैल्यू भाई 4 आया, जबकि टेबल में कोई भी रो नहीं है, टेबल के अंदर कोई भी रो नहीं है। जैसे ही आपने ये चलाया, एक फ्रेश नया इंसर्ट का क्वेरी चलाया और देखा तो आईडी का वैल्यू आपको मिला 4। अब ये बात पे 4 क्यों, ये तो 1 आने चाहिए थे, सारे रो तो हमने डिलीट कर दिए। बट अब ये यहां पे क्वेश्चन बनता है कि इंडेक्सेस से रो क्रिएट, ये जो ऑटो इंक्रीमेंटेड का वैल्यू है वो इंडेक्सेस से मिल रहा था और हमने डिलीट कमांड चलाया, तो डिलीट कमांड ना सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रो को डिलीट करता है, उसके रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस को डिलीट नहीं करता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम कमांड चलाते हैं ट्रंकेट। अब ट्रंकेट भाई साहब क्या करते हैं, ट्रंकेट थोड़ा सा चालाक है, ये रो को भी डिलीट कर देता है और लगे हाथ उसके इंडेक्सेस को भी डिलीट कर देता है। रो को भी डिलीट करता है, लगे हाथ उसके इंडेक्सेस भी चले जाते हैं। तो अब ये क्या हुआ, टेबल बिल्कुल जीरोथ पोजिशन पे आ गया, देर इज नो रो नो इंडेक्सेस। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका काम कहाँ आता है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ये देखिए, हम लोग अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जहाँ पे कुछ जो उनका बिल नंबर होता है वो ऑटो जनरेटेड के हिसाब से होता है, भाई हमेशा नया नंबर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम रैंडम नंबर अगर रखेंगे तो कभी ना कभी ये चांसेस है, पॉसिबिलिटी कि नंबर रिपीट हो जाए, तो इसीलिए ऑलवेज इस टाइप की चीज़ों को एक 2-3 डिजिट फिक्स करके, जैसे सपोज आप इनवॉइस बना रहे हो किसी का, तो मान लो कि आप किसी कंपनी का इनवॉइस बना रहे हो ACS और यहाँ पे आपने 01 आपने 21 फिक्स कर दिया ईयर के लिए, बाकी यहाँ से जो डिजिट है ये ऑटो इंक्रीमेंटेड पे जाएगा, इस तरह से एक बिलिंग नंबर आपने दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप डेवलपमेंट में अभी काम कर रहे हो उसका, तो आप टेस्टिंग के टाइम बहुत सारे इंसर्ट रिकॉर्ड करोगे टेस्ट करने के लिए, भाई क्या क्या जा रहा है क्या क्या नहीं, आपने बहुत सारे टेस्ट मार दिए। ठीक है, करीबन आपने क्या किया, 50 टेस्ट किए हैं, टोटल नंबर 50 टेस्ट आपने किए और वो ऑटो इंक्रीमेंटेड पे है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि ऑटो इंक्रीमेंटेड पे 50 इंडेक्सेस भी तो क्रिएट हुए हैं। अब क्या हुआ, आपने क्लाइंट को जब ये फाइनल डिलीवरी देना होगा तो आप क्या करोगे, डिलीट कमांड चलाओगे, डिलीट कमांड चलाने के बाद आप प्रोजेक्ट जो है क्लाइंट को हैंड ओवर करोगे, डिलीवर करोगे। हुआ क्या, अब जब क्लाइंट अपना बिल स्टार्ट करेगा बनाना, तो जब जैसे ही वो पहला बिल देगा तो पता चला उसे जो बिल नंबर आ रहा है वो ये है ACS 2151, जो कि होना नहीं चाहिए, उसका तो 001 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो आपने तो डिलीट कमांड चलाया, तो उस जगह पे ट्रंकेट कमांड चलाया जाता है।
तो होता क्या है, उसका इंडेक्सेस और रोज दोनों उड़ जाते हैं, ताकि नया जब फर्स्ट फ्रेश एंट्री हो तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो, जीरो वाले पोजीशन से टेबल का स्टार्ट हो, जहां पे इंडेक्स उसे वन मिले। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। तो होप यू गाइज इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और याद रखिए कि ये आपके इंटरव्यू रिलेटेड एक बहुत अच्छा मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट से बहुतों को पता होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत जो है थोड़ा सा मैंने बोला ना कि लोग को लगता है कि फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एवरीथिंग, उसी से जॉब मिलता है, हम एंड्रॉयड सीख लिए जॉब मिल गया, हम जावा सीख लिए जॉब मिल गया, हम पीएचपी सीख लिए जॉब मिल गया, ऐसा नहीं है। आपको जॉब मिल भी जाएगा ना तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे कंपनी में, क्योंकि MySQL और DBMS आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप एक इंडिपेंडेंट अच्छे डेवलपर बन पाओगे। ठीक है, ये बात मेरे जहन में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होप ये ट्रंकेट और डिलीट वाला पोर्शन खत्म। तो यहाँ पे देखिए ये MySQL है, तो MySQL का ये जो PHP MyAdmin वाला वर्जन है ना, ये ज़्यादातर डेवलपर इस्तेमाल करते हैं और स्टूडेंट भी लर्निंग पर्पज इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सारे काम एक्शन के थ्रू होते हैं, आपको SQL लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और कितनों का तो SQL ये खुद ही बना के दे देता है। तो देखिए ऑपरेशन में जब जाइएगा ट्रंकेट पे, अगर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे देखिए आपको कमांड दिखा रहा है। देखिए ये कमांड है ट्रंकेट DBM, पहले डेटाबेस का नाम दिया, फिर TBL यूजर का नाम दिया। जैसे ओके क्लिक करोगे तो ये बैकग्राउंड में कमांड ही चलाएगा। तो अगर आपको कमांड पता है तो आप SQL में जाके यहाँ से कमांड लिख सकते हो, वो भी आपको एक ही बात है, आउटपुट एक ही मिलने वाला है। देखिए ID इंक्रीमेंटेड 1-2 है। ठीक है, अगर हम डिलीट कर देंगे, नया एंट्री करेंगे और आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है, डिलीट करके अब नया एंट्री करके देखना कि ID का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर, ट्रंकेट वाला पोर्शन जो है ये हमने कर लिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि अभी तक जो भी हमने आपको अपना ये एग्जांपल दिखाया था दो वीडियो में, जो हम लोग PHP का API वगैरह बना रहे थे, वो अपने लोकल सर्वर पे बना रहे थे। ठीक है, वैम्प सर्वर के लोकल सर्वर है हमारा, यहाँ पे बना रहे थे। तो अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि सर अगर डेटाबेस सर्वर हमारा जो लाइव में है तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, वहां से कैसे सारी चीजें होंगी। तो इस चीज को ना, इन दो क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया है, एक देखिए एक वेबसाइट हमने खोल रखा है, ये हम लोग का ही क्लाइंट का वेबसाइट है। चलिए इसके हम लोग सी पैनल पे चलते हैं। सी पैनल क्या होता है, देखिए जब भी आप होस्टिंग किसी से खरीदोगे ना, ठीक है, वो होस्टिंग आप कहीं से भी खरीद सकते हो, GoDaddy से ले सकते हो, HostGator से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। तो मान लेते हैं कि आपने GoDaddy से होस्टिंग खरीदा, ठीक है, तो बेसिकली दो पार्ट होता है, एक होता है एक सेक्शन होता है आपका यूजर प्रोफाइल सेक्शन, मतलब जहाँ पे क्या बिलिंग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं, और एक सेक्शन होता है सी पैनल। ठीक है, सी पैनल सेक्शन होता है, ध्यान से समझिए इस बात को। ठीक है, मैं आपको ये चीज अभी दिखाने वाला हूँ। तो जब ये आपने होस्टिंग खरीदा, सपोज आपने GoDaddy से होस्टिंग खरीदा, जो भी पैकेज होगा आपका, पैकेज मिल गया, उसके बाद आपने उन्होंने आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया, जैसे आप लॉगिन करोगे तो प्रोफाइल सेक्शन में पहले जाओगे, यहाँ से सारी चीजें आपका बिलिंग क्या है, नाम क्या है, ईमेल क्या है, आपका पैकेज क्या है, हल्ला फलना, ये सारी चीजें वहां से। फिर एक पार्ट होता है सी पैनल, यहां से सारी चीजें मैनेज होती है। सी पैनल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं सी पैनल की, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ खास खास चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले होता है डोमेन्स, एड ऑन डोमेन, ठीक है, एड ऑन डोमेन्स होते हैं। उसके बाद और देन एड ऑन डोमेन के बाद फिर होता है हमारा MySQL, ठीक है, ये होता है हमारा MySQL। उसके बाद इसी MySQL के अंदर ही आपको मिल जाएंगे PHP MyAdmin, ये MySQL के अंदर ही ये इस्तेमाल करते हैं PHP MyAdmin, बट हम तो वही लोकल जब लाइव सर्वर वाला PHP MyAdmin इस्तेमाल करने वाले हैं, वो कैसे करेंगे। तो जब आप डोमेन या एड ऑन डोमेन ऐड करोगे इसमें ना, डोमेन इन द सेंस जो हम लोग डोमेन खरीदते हैं abcv.com whatever, तो एड ऑन डोमेन के अंदर जाके आपको वो ऐड करना दे रहा होता है abc.com, इस तरह से जाके हमने ऐड कर दिया। और करने के बाद ये abc.com जो है वो पर्टिकुलरली किसी फोल्डर से कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम FTP बोलते हैं, FTP ID पासवर्ड हो, जिसके थ्रू आप इस फोल्डर पे डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा MySQL है, यहाँ पे जाके हम एक फ्रेश डेटाबेस बनाते हैं
इस MySQL में जाके हम एक फ्रेश डेटाबेस बनाएंगे और वो डेटाबेस का कनेक्शन हम इसके अंदर जो फाइल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे आपको करके दिखा देंगे। हो गया, तो अभी abc.com मिल गया हमें और इसके अंदर इस abc.com के अंदर अब हम क्या करेंगे, अपने API फाइल्स क्रिएट करके रख देंगे। abc.com के अंदर हमारा API PHP का फाइल्स क्रिएटेड है और वो इस डेटाबेस से कनेक्टेड है और ये डेटाबेस आपके PHP माई एडमिन से कनेक्टेड है। मतलब जब हम लाइव सर्वर का एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो जहाँ पे हम जो डोमेन जो URL लिखते हैं रेट्रोफिट के अंदर कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे बस हम लिखेंगे abc.com/ और उसके बाद जो भी हमारा, अगर आप API फोल्डर के अंदर हो तो API फोल्डर और यहाँ पे फिर signup.php ये आपका हो जाएगा लाइव सर्वर पे डोमेन पे रखा हुआ PHP फाइल और ये ऑटोमेटिक माई एडमिन से कनेक्टेड होगा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अपने हम सी पैनल पे जाते हैं, देखिए तो आप डायरेक्टली सी पैनल पे जा सकते हो और यहाँ हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, हमें उतनी सारी चीज़ों पे नहीं जाना है। बेसिक पहले मैं आपको दिखाता हूँ, सारा मैं बताऊंगा आने वाले टाइम पे, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई नॉलेज नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, सब कुछ बताऊंगा, हर एक चीज़ें बताऊंगा, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। देखिए डोमेन से ऐड ऑन डोमेन है, सब डोमेन है, आप डोमेन में चल जाओ तो क्या डोमेन कनेक्टेड है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा इस पैकेज से, होस्टिंग पैकेज से। ये देखिए इस तरह से दो डोमेन यहाँ पे ट्रेडिंग टेक्निक और ये इस फोल्डर से कनेक्टेड है पब्लिक HTML। उसके बाद हम आ जाते हैं देखिए MySQL पे, यहाँ पे MySQL डेटाबेस, ठीक है ना। अब एक MySQL डेटाबेस जो है वो बनाया गया है, इसमें लाइव सर्वर का खुद का डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस का नाम ये है, यूजर नेम ये है, डेटाबेस का नाम ये है, यूजर नेम ये है। तो जो जब भी हम PHP फाइल बनाते हैं जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाया था वहाँ पे ये इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे खुद का देखिए लाइव एक PHP माई एडमिन होता है, लाइव सर्वर का PHP माई एडमिन होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस है ना जो हमने अपने लोकल होस्ट के वैम सर्वर के PHP माई एडमिन पे देखा था, तो ये बिल्कुल वैसा ही इंटरफेसेस है। अब यहाँ पे आप अपना सारा काम करोगे तो आपका जो अब, और ये दिखाते हैं फाइल मैनेजर, तो फाइल मैनेजर में देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये फोल्डर आपको दिख रहा है ना पब्लिक HTML, इसके अंदर ही आप जैसे यहाँ पे हम लोग का ये WWA ecom API जो मेन फोल्डर है ना, इसके अंदर हमने साइनअप रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा आप इसके अंदर पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर यहाँ पे आप API का फोल्डर बना दो और साइनअप का फाइल रख दो और वो कनेक्ट हो जाएगा यहीं पे MySQL पे, यहाँ पे जो हमने डेटाबेस बनाया है उसके यूजर नेम पासवर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको अपने एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, कनेक्ट एप्लीकेशन टू लाइव डेटा सर्वर, ये भी हमने भी बताया इसी में ही कैसे करेंगे, API सोर्स कोड एंड कनेक्शन स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो चलो इसे भाई देख लेते हैं, signup.php। बहुत लोगों को इसका सोर्स कोड चाहिए था, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग का और ये वाले जो हमने API फाइल बनाए थे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये पूरा का पूरा फाइल ही कॉपी, ये पूरा का पूरा कंटेंट ही कॉपी कर दूंगा, देन यू कैन गेट इट। अगर ये कॉपी हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमा वगैरह है, सिंगल कोट शायद स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होते हैं, तो अगर हो जाता है ठीक है, अदरवाइज मैं एक फाइल बना के उसे अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरी चीज़ समझा दी थी, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, कैसे होता है, ये वाला काम कैसे होता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं मैंने समझाया था। इसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा है जिन्हें लगता है कि नहीं हमें PHP शुरू से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़ना है, तो आप कमेंट में बोलिए, अगर कुछ कमेंट्स होंगे अच्छे खासे तो मैं एक फ्रेश पैरेलली PHP का प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा। बिकॉज एक बात आप जान जाइए कि अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम करना है देन यू मस्ट बी फैमिलियर विद PHP। ठीक है, आपको वेब टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होना ही होगा और अच्छे से होना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादातर कंपनी, मैंने लास्ट भी बोला था, ये ज़्यादातर कंपनीज डिपेंड करते हैं APIs के ऊपर, वो इस पे फायरबेस पे ज़्यादा, क्योंकि वो गूगल का डेटाबेस है, तो बहुत ज़्यादा कंपनीज आपको ऐसे मिलेंगे जो खुद के अपने खुद के डेटाबेस होते हैं उनके, तो आप उनको API के थ्रू ही कॉल करोगे, तो वो वाला पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, PHP उसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए, MySQL उसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अग्रीड हैं कि नहीं हमें PHP प्लेलिस्ट चाहिए बिल्कुल शुरू से, क्योंकि उनका वेब टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फैमिलियर नहीं है वो,
तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं एक फ्रेश पूरा प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल सही तरीके से ऑर्डर में, बिगिनिंग से बिल्कुल क्रैश से एंड तक जाएंगे उसमें। और प्लस और भी अगर कुछ अच्छे मिल गए, कुछ स्टूडेंट्स अच्छे मिल गए मुझे, तो मैं कोड इग्नाइटर भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कोड इग्नाइटर का प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लान बहुत सारे हैं, जैसे जैसे आप लोग अपने एमडी जमाल वाले फैमिली में लोग बढ़ेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, नए नए चीज़ें मैं ज़रूर लाऊंगा आपको बताने के लिए। तो ये दो चार क्वेश्चन थे जो आज शॉर्ट आउट हो गए। अभी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल, अब ये वाला क्वेश्चन वाला सेशन ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपली अपने एप्लीकेशन में जाएंगे, एक्टिविटी बनाएंगे और उसे कनेक्ट करेंगे जो हमने साइनअप वाला काम किया। तो साइनअप वाला काम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर होगा, और साइनअप करके फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। साइनअप होगा, लॉगिन होगा। कुछ ने पूछा कि भाई ये कैसे, कितने वीडियो, कितने तो पार्ट्स में होंगे, कितने वीडियो बनेंगे, तो इसका भी कोई श्योर नहीं है कितने वीडियो बनेंगे, देखते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि देखिए अपना टारगेट ये है कि हर एक तो छोटी से छोटी चीज़ें कवर करती हैं हमें, तो हो सकता है कि कुछ वीडियो ज़्यादा हो जाए, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टारगेट ये है कि हम हर एक छोटी चीज़ कवर करके इस पूरे प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से सीखें और आगे दूसरों को भी सिखाएं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।